So very good morning to all of you. Our next topic in geometry is length of side of a maximum sized square in a triangle. खास बात हम लोग आज general triangle की बात करने वाले हैं and it's an application of similar triangle. Last to last lecture हम लोग similar triangle के बारे में देखे थे. मेरा suggestion आपसे ये होगा कि पहले उस lecture को देख लें, उसके बाद इस lecture पर आए. आज का agenda है length of side of maximum sized square in a general triangle. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम एक जनरल ट्रायंगल अस्यूम कर लें, लेट अस सपोज, लेट दिस बी जनरल ट्रायंगल ए बी एंड सी, जो नॉर्मल नोटेशन कहता है कि ए के उल्टे साइड पे ए, बी के उल्टे साइड पे बी, सी के उल्टे साइड पे सी. तो इसके भीतर में हमको एक स्क्वायर बनाना है और वो स्क्वायर मैक्सिमम साइज्ड होना चाहिए. तो चलो अगर हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा वो स्क्वायर है जिसका डायमेंशन एक्स है, दिस इज माई अजम्पशन. और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये बेसिकली हाइट है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइट. तो ये पूरा हम अगर एच मान लें, यहां से यहां तक हाइट अगर हम एच मान लें, ओके, आई होप आप ये बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो कि ट्राइंगल, लेट अस सपोज दिस इज योर डी, दिस इज योर ई, अज्यूम कर लेते हैं, तो ए डी ई बहुत आसान है, जस्ट इन अ मैटर ऑफ वन मिनट आप इसको प्रूव कर सकते हैं. ए डी ई और ए बी सी, आई होप ये आपको सिमिलर दिख रहा होगा. कैसे? तो एंगल ए इज कॉमन इन बोथ, ओके, आई होप ये वाले एंगल के बराबर होगा बिकॉज दिस इज अ पैरेलल लाइन. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ओके, ये भी 90 डिग्री है. तो ये अगर 90 डिग्री, हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब बड़ी आसानी से दिख रहा है कि D इज पैरेलल टू BC. तो अगर D पैरेलल टू BC है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल वाला अगर लॉजिक लगा दोगे आप, तो बड़ी आसानी से प्रूव कर लोगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा. मतलब एंगल ए तो कॉमन दिख ही रहा है, आई होप इतना आप समझ पा रहे हो. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, दैट्स ऑल, हम लोग का काम बन चुका है. रीजन बिहाइंड कि दो एंगल को अगर आप प्रूव कर देते हो बराबर, तो तीसरा बट ऑब्वियस होना है. सिमिलर ट्रायंगल वाला लेक्चर एक बार देख लेना. मतलब बट ऑब्वियस है, एंगल ई बराबर होगा एंगल सी के. तो एंगल से हम ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ओके. सिमिलर होता है तो हम लोग रेशियो बराबर करते हैं. तो अगर हम रेशियो ले लें साइड्स का, तो क्या हम कहेंगे इसके उल्टे साइड, ये वाला डायमेंशन क्या है, बेसिकली एक्स है. तो अगर हम छोटे ट्रायंगल का ये वाला डायमेंशन ले, तो एक्स दिख रहा है. तो बड़े ट्रायंगल का यही वाला डायमेंशन, तो ये ए दिख रहा होगा. आई होप यहां से यहां तक ए है, आप ये समझ पा रहे हैं, ओके. अगर छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट ले हम, तो ये यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा h माइनस एक्स. दिस कंप्लीट इज योर h, जिसमें यहां से यहां तक x है क्योंकि वो एक स्क्वायर है. तो ये h माइनस एक्स. तो अगर इसके हाइट को हम लें, तो h माइनस एक्स. अगर बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट लें, तो दिस इज योर h. तो ये बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, इनफैक्ट दिखा सकते हो. सिमिलर ट्रायंगल का एप्लीकेशन होता है. सिमिलर ट्रायंगल के एप्लीकेशन में हम लोग लास्ट टू लास्ट क्लास देखे थे कि रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल टू रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर. तो रेशियो ऑफ साइड्स रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स के बराबर होता है. हम वही वाला लॉजिक यहां पर लगाए हैं, तो ये आप दिखा सकते हो. मेरा काम है एक्स फाइंड करना, तो आई होप यहीं से आपको दिख रहा होगा एक्स इंटू एच इज इक्वल टू ए एच माइनस ए इंटू एक्स. एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, ओके, एक्स इंटू एच प्लस एक्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एच. एक्स को कॉमन लेते हैं, एच प्लस ए इज इक्वल टू एच इंटू ए, या एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एच बाई ए प्लस एच. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे. हम लोग जो बेसिकली मैक्सिमम साइज्ड स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में, ओके, डिपेंडिंग अपॉन बेस, किस बेस पे हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं, ओके, किस बेस पर हम स्क्वायर बना रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम यहां पर
ए पर एक स्क्वायर बनाए थे। ओके, कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लो आपका एक ट्रायंगल ऐसा होता। ओके, तो आई होप आपको एक स्क्वायर इस पर बनता दिख रहा होगा लाइक दिस। लेकिन ये स्क्वायर इस बेस पर नहीं बन सकता है, इस बेस पर मैक्सिमम साइज स्क्वायर कुछ ऐसा ही बनेगा। ओके, आई होप ऐसे ही आप बना पाओगे। आई मीन टू से कि तीनों बेस पर अलग अलग, सॉरी, अगर इस बेस पर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता दिखेगा लाइक दिस, अगर इस बेस पर बनाओगे तो कुछ और बनता दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन योर बेस आपका मैक्सिमम साइज्ड स्क्वायर जो है, ओके, उसका डायमेंशन बदलेगा। तो वो एक्स का वैल्यू डिपेंड करेगा मेरे ए पर और एच पर, मतलब आप किस बेस पर बना रहे हो और इस किस हाइट के तहत बना रहे हो। तो अगर इस तरह का एक जनरल ट्रायंगल रहेगा तो हमारे लिए ये ए इंटू एच बाई ए प्लस एच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगले लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे।